हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम ज़्यादा कुछ बात करने वाले हैं नहीं, लेकिन बात करेंगे अपनी बाइक के बारे में, जो है KTM RC 125। सो मेरा बाइक लेने का रीज़न यही था कि जब भी मैं कोई बाइक लूँ वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी से लूँ, यानी कि जैसे मैंने स्टार्ट किया अभी 125cc से, ताकि मैं बाइक को समझ पाऊँ कि कैसे हम बाइक को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अपने बाइक को हम अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। सो बाइक को लिए मुझे एक साल और एक महीना हो चुका है। मैं अच्छी तरह से अभी जान सका हूँ कि KTM RC 125 कैसे परफॉर्म करती है, उसका पावर ड्रॉप है कि नहीं है, उसके एवरेज कितनी रहती है और मेंटेनेंस कितना देती है और वाइब्रेशंस एंड मैनी मोर थिंग्स। अभी तक मुझे वाइब्रेशन तो दिखे ही नहीं है बाइक में और मेंटेनेंस बहुत कम आया है, बहुत, मतलब अब एक साल एक महीना हो चुका है बाइक को लिए और मैंने सर्विस कराई है 3 बार, जो कि 3 बार फ्री सर्विस हुई थी और टोटल कॉस्ट मिला के 5000 से भी बाहर नहीं निकल रहा है। मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इसका बहुत लो मेंटेनेंस है। अभी पेड मेंटेनेंस में कितना आएगा मेरे को नहीं होता, अभी फ्री सर्विस चल रही है, शायद इतना है, उसके बाद का क्या होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अबाउट KTM RC 125 एंड व्हाई यू हैव टू परचेज दी KTM RC 125 रादर देन अनदर बाइक्स। सो दी फर्स्ट एडवांटेज ऑफ KTM RC 125 इज काफ़ी लो मेंटेनेंस देती है। सेकेंड कि वाइब्रेशन ना के बराबर, मतलब है ही नहीं। अभी एक साल हो चुका है और मैंने बाइक बहुत रफली ड्राइव की है, बहुत रफली, और बीच में 2 महीने तो मैंने रेगुलरली हर रोज़ के 100 किलोमीटर चलाता था 2 महीने तक, तो उस टाइम पे भी नहीं मेरे को पावर ड्रॉप का ऐसा सीन लगा कि पावर ड्रॉप हुई है, नहीं एवरेज का कोई दिक्कत आई, नहीं वाइब्रेशन तो दिखे ही नहीं मेरे को। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। द थर्ड एडवांटेज ऑफ द बाइक इज एवरेज बहुत अच्छी है, मतलब दूसरी बाइक की तरह नहीं है लेकिन बहुत अच्छी है। अभी मेरे को 40 से 45 तक की एवरेज आराम से देती है, मैं रफली ड्राइव करता हूँ तब भी मेरी बाइक 80-100, 80-110 तक जाती है, तब भी मेरे को इतना एवरेज देती है। और मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी बाइक होगी जो इतनी रफली ड्राइविंग करने के बाद भी इतनी अच्छी एवरेज देती हो। और जैसे कि सबको पता है मिडिल क्लास लोग सबसे पहले बाइक में देखते हैं कि एवरेज कितना देती है। दी फोर्थ एडवांटेज ऑफ बाइक, मेरे को नहीं लगता कि RC 125 यानी कि 125 कैटेगरी में इस बाइक से अच्छी और कोई भी बाइक हो सकती है। देखिए अभी का सीन ये है कि सभी कंपनी अपने बाइक्स को 125cc में लॉन्च करना चाहती है, जैसे कि बजाज ने कर दिए NS 125 और कावासाकी निंजा 125 इंडिया में लॉन्च होने वाली है बहुत जल्दी, और ऐसे यामा R125 भी है जो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई लेकिन इस साल के एंड तक हो जाएगी। तो मेरे को लगता है RC 125 इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यूज। ओके, सो लास्ट एंड फिफ्थ एडवांटेज इज ब्रेक्स और सस्पेंशन बहुत बढ़िया चलते हैं, मतलब ब्रेक्स तो सिंगल चैनल है लेकिन मेरे को अभी तक ब्रेक्स में ऐसा नहीं लगा। मैंने बहुत सारी बाइक्स चलाई है, बहुत सारी बाइक ड्राइव्स की है लेकिन इस बाइक की ब्रेकिंग कुछ अलग लगी मेरे को, मतलब सेटिस्फेक्शन जो दिल को मिलती है ना उस बाइक की ब्रेकिंग से वैसी ब्रेकिंग है, तो ब्रेकिंग तो मामले में बहुत अच्छी बाइक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप अपने पापा को कन्विंस कर सकते हैं कि पापा ये जस्ट 125cc की बाइक है। सो मेक श्योर यू दैट। ओके, सो सबको पता है कि अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगी, और इस बाइक की डिसएडवांटेज मेरे को सिर्फ निकला वो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब मैंने परचेस की थी तो मेरे को ऑन रोड इसकी प्राइस अराउंड 1,89,000 में मेरे को ऑन रोड मिली थी, जबकि उसकी उसी तरह देखे जाए तो यामा R15 आपको मिल जाएगी 1.6 लाख और 1.7 लाख में, और वो है 155cc की। मेरे को ये एक डिसएडवांटेज दिखी इस बाइक में और कुछ मेरे को नहीं दिखा। आई होप कि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका प्यार वहाँ पे दिखाइए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन बाइक के रिलेटेड और राइडिंग गियर्स के रिलेटेड लेके आए। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ डे, आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वॉक, तब तक के लिए सी यू सून।